साधना का महत्व सैकड़ों वर्षों से रहा है, आज भी है और हमेशा रहेगा। इसलिए भारत को आध्यात्मिक गुरु कहा गया है। योग में कोई जाति या धर्म नहीं होता, योग एक मानव धर्म है। इससे योग साधना से न केवल शारीरिक स्तर पर बल्कि मानसिक एवं भावनात्मक स्तर पर आश्चर्यजनक परिवर्तन करें। योग को अपनी जीवन शैली में डालना चाहिए, जिससे व्यवस्थित हमेशा हम स्वस्थ मस्त और बीमारियों से दूर रह सकते हैं। योग हमारे शरीर को संतुलित करता है। जो मोटा है उनका वजन कम होता है और जो दुबले पतले हैं उनका वजन संतुलित हो जाता है। हमारे शरीर में जितने भी सिस्टम है, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, विसर्जन तंत्र, ग्रंथि तंत्र, नाड़ी तंत्र, सभी तंत्रों को योग स्वस्थ रहे। इस कार्यक्रम का आगाज हम मंगल भावना के साथ कर रहे हैं। अपने आप को मंगल भावों से भावित करते हुए मंगल भावना करेंगे। हाथ जोड़कर आनंद केंद्र पर पहले मैं बोलूँगा संपन्न बनो, मैं आभा संपदा से संपन्न बनो, री संपन्न हम श्याम। मैं लज्जा आत्म अनुशासन से संपन्न बनू, मैं लज्जा आत्म अनुशासन से संपन्न मैं बुद्धि संपन्न बनू, मैं बुद्धि संपन्न बनू, धृति संपन्न हम श्याम संपन्न बनू, मैं धैर्य संपन्न। एक दो जितने आप ताकत से अंगुलियों को फैला सकते फैलाइए। अंगुलियों में होने वाले प्रकंपनों का अनुभव करें। दो अब कलाई से गोलाकार घुमाए क्लॉकवाइज। उल्टी दिशा में संपन्न रिलैक्स। दोनों हथेलियां नाभि के नीचे स्थापित। बाईं हथेली नीचे, दाईं हथेली ऊपर रहे। आंखें कोमलता से बंद, श्वास मंद और शांत। रिलैक्स अनुभव करें। योगी क्रियाओं में, सूक्ष्म क्रियाओं में जो भी मेरी ऊर्जा खर्च हुई है, मैं पुनः ब्रह्मांड से ग्रहण कर रहा हूँ प्रत्येक श्वास के साथ। रिलैक्स। पूरे शरीर तैयार। दोनों हाथों में लोक लगाएं, एक ऊपर ले जाए। अब राइट हैंड को लेफ्ट साइड लाएं। राइट हाथ की कोनी सिर के पीछे, एक दो। एक दो
दो एक दो एक दो। थोड़ी देर रुकने का प्रयास। कोहनी सिर के पीछे, गर्दन सीधी, रीढ़ की हड्डी सीधी। एक दो एक सम। अब दोनों हाथों की कलाइयों को पकड़ेंगे, कलाई श्वास भरती हुई दोनों हाथों की, श्वास छोड़ते हुए राइट हैंड को लेफ्ट साइड ले जाए। कंधों के लिए, सर्वाइकल के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। एक दो एक दो एक दो एक दो एक समपन। अब हम करेंगे पैरों की एक्सरसाइज। कोई भी लेग्स की कोई भी प्रॉब्लम हो उसे दूर हो जाती है। दोनों पैर सामने फैलाएं, जो सीधे बैठ सकते हैं वो सीधे बैठें और जो नहीं बैठ सकते पीछे हथेलियों का सहारा ले सकते हैं। एक, दोनों पंजे नीचे की ओर जाने दें। दो, श्वास भरते हुए अंदर की ओर। दो एक दो एक दो संपन्न। अब अंगुलियां बेंड करें, दबाव दें, दे दबाव। दो ढीला छोड़, एक दो एक दो एक। इससे सुंदरता आती है, गले में भी मालिश कर दीजिए। रिलैक्स, श्वास मंगल शांत। अब हाथों को आगे झटकेंगे, मुद्रा बनाएं। संपन्न, रिलैक्स रिलैक्स। अंदर फोल्ड करिए, राइट का अंगूठा दाहिने नासिका पर, मध्यमा बाएं पर, करनी दोनों भुजों के बीच। लेफ्ट से सांस लें, राइट से छोड़े, पुनः राइट से लें, लेफ्ट से छोड़े, लेफ्ट से लें, राइट से छोड़े, राइट से लें, लेफ्ट से छोड़ें।
लेफ्ट से लें, राइट से छोड़ें, राइट से लें, यही क्रम चलता रहे। गर्दन सीधी रखें, रीढ़ की हड्डी सीधी रखें। प्राण के संतुलन के लिए अद्भुत और अनोखा प्राणायाम। अब कुंभक के साथ करेंगे, लेफ्ट से लें, बाहर कुंभक बाहर रोकें, पुनः राइट से भरें, भीतर रोकें, लेफ्ट से छोड़ें, बाहर रोकें, पुनः लेफ्ट से भरें, भीतर रोकें, राइट से छोड़ें, बाहर रोकें, लेफ्ट से छोड़ें और संपन्न। मैंने आपको तीन प्राणायाम कराए, इनको ज्यादा समय पर तक भी किया जा सकता है अभ्यास के बाद। पहले भस्त्रिका करवाया, कब से रिलेटेड सभी बीमारियां दूर होती है, फिर आपको कपालभाति एक्सरसाइज के साथ करवाया, कपालभाति से भी अनेक बीमारियां ठीक होती है, और अभी आपको बैलेंसिंग करने के लिए अनुलोम विलोम, हार्ट के ब्लॉकेज भी खुलते हैं, शरीर का संतुलन भी बनता है। अब हम थोड़ा हंस लेंगे, लाठर योग एक साथ बोलेंगे, कल का दिन किसने देखा है, कल का दिन किसने देखा है, आज के दिन को खोए क्यों, आज के दिन को खोए क्यों, जिन घड़ियों में हंस सकते हैं, जिन घड़ियों में हंस सकते हैं, उन घड़ियों में रोए क्यों, उन घड़ियों में रोए क्यों। यस, 3, 2, 1। जो दिल खोल के हंसता है उसके उसको दिल का दौरा नहीं पड़ता है, तो दिल खोल के हंसना चाहिए, कंजूसी नहीं करना चाहिए। दो बार ऊपर हा, दो बार ही हा, हा, ही, ही, 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 अब ही हूँ, ही, ही, हो, हो, 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 ही, ही, हो, है, हो, हो, है, 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 है, हो, हो, है,
एक्सरसाइज। हाँ आज करेंगे हा हा ही ही 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 लास्ट में संकल्प कर लेते हैं हम लोग। मैं स्वस्थ हूँ, मेरे शरीर के कणकण में स्वस्थता का संचार हो रहा है। जब आदमी स्वस्थ होता है तो शक्तिशाली हो जाता है। मैं शक्तिशाली हूँ, मेरे शरीर के कणकण में शक्ति का संचार हो रहा है। स्वस्थ होता है, शक्तिशाली होता, फिर अभय हो जाता है। मैं अभय हूँ, मेरे शरीर के कणकण में अभय का अभाव पुष्ट हो रहा है। और जिसमें तीनों गुण आते हैं वो प्रसन्न रहता है। मैं प्रसन्न हूँ, मेरे शरीर के कणकण में प्रसन्नता का संचार हो रहा है। और जिसमें चारों गुण होते हैं वो सुंदर लगता है। मैं सुंदर मेरे शरीर के कणकण में सुंदरता का पांचों गुण हो जाते हैं वो पवित्र हो जाता है। मैं पवित्र हूँ, मेरे शरीर के कंकण में पवित्रता का संचार हो रहा है। और ये सब गुण आने पर साधक कहलाता है। मैं साधक हूँ, मेरे शरीर के कंकण में साधना का संचार हो रहा। सब गुण किसमें होते हैं? भारतीय है। मैं भारतीय मेरे शरीर के कणकण में राष्ट्रीयता का संचार हो रहा। नया सवेरा आए, नया सवेरा आए, प्रशासन निज प्रशासन घर घर में हो योग प्रचार, घर घर में हो योग प्रचार, जिस घर के बच्चे संस्कारी वो घर नाही का भारी, जिस घर के बच्चे संस्कारी वो घर नाही का भारी। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। सब्सक्राइब करें एडवांस योग बाय पारसमल दुग्गर यूट्यूब चैनल को, जिससे आप बीमारियों से रिलेटेड अनेक वीडियो घर बैठे आपको प्राप्त हो सके और जिसको करके आप अपने स्वास्थ्य में चार चांद लगा सके। इन वीडियो को अधिक से अधिक आगे शेयर करें।